हेलो एवरीवन दिस इज़ अनीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज ओशियन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन फॉर किड्स आज हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कोशिश करेंगे कि दो पार्ट में ही सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम थर्ड पार्ट में देखेंगे चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज विच इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द लैंड धरती पे मिलने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है इसका आंसर है अफ्रीकन एलिफेंट अगला क्वेश्चन विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट इसका आंसर है अफ्रीका नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड इज नोन फॉर इट्स इंटेलिजेंस ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे उसकी बुद्धिमत्ता यानी समझदारी के लिए जाना जाता है आंसर है आउल यानी उल्लू नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ धरती पे मिलने वाला सबसे कठोर सब्सटेंस कौन सा है इसका आंसर है डायमंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आंसर है नाइल यानी नील नदी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन आंसर है जापान नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेस इज नोन एज अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड धरती की छत के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है इसका आंसर है तिब्बत नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आंसर है एशिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, इसका है रफलेशिया। अगला क्वेश्चन, टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है आंसर है एंजल फॉल्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं इसका आंसर है एट अगला क्वेश्चन विच प्लैनेट इज नॉन एज अ प्लैनेट इसका आंसर है प्लूटो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है आंसर है जुपिटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है मरकरी अगला क्वेश्चन विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट रेड प्लेनेट के नाम से कौन से प्लेनेट को बुलाया जाता है आंसर है अर्थ धरती के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून यानी चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था आंसर है नील स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड द टेलीफोन यानी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया इसका आंसर है एलेक्जेंडर ग्रामवेल -Well. अगला क्वेश्चन देखते हैं हु डिस्कवर्ड व्हाट ग्रेविटी इज यानी ग्रेविटी की डिस्कवरी किसने की आंसर है सर इज न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस डू प्लेट प्लांट्स रिलीज ऐसी कौन सी गैस है जिसे प्लांट्स रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं आंसर है ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस डू प्लांट्स टेक इन ऐसी कौन सी गैस है जिसे प्लांट्स लेते हैं आंसर है, है कार्बन डाइऑक्साइड अगला क्वेश्चन विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है आंसर है माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है आंसर है ब्लूवेल नेक्स्ट क्वेश्चन विच एनिमल नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट इसका आंसर है कैमल यानी ऊंट अगला क्वेश्चन है यानी बेबी फ्रॉग को किस नाम से जाना जाता है आंसर है टैडपोल अगला क्वेश्चन विच बर्ड लेज द लार्जेस्ट एग्स यानी ऐसा कौन सा बर्ड है जिसके अंडे बहुत बड़े होते हैं सबसे बड़े होते हैं आंसर इज ऑस्ट्रिच नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंडिया हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे पहले प्रधानमंत्री का मतलब है देश के आजाद होने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है आंसर है श्री नरेंद्र मोदी अगला क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और इसका आंसर है मिस्टर रामनाथ कोविंद अगला क्वेश्चन हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया हमारे देश में टोटल कितने स्टेट्स हैं और इसका आंसर है ट्वेंटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया हमारे देश में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इसका आंसर है एट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है इसका आंसर है ट्राई कलर और तिरंगा अगला क्वेश्चन हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था इसका आंसर है मिस्टर पिंगली वैंकैया नेक्स्ट क्वेश्चन Which इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया हमारे देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है आंसर है गण मन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज national सॉन्ग ऑफ इंडिया हमारे देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है आंसर है वंदे मातरम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज the नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है आंसर है लोटस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया हमारे देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है आंसर है मैंगो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है आंसर है पिकॉक यानी मोर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है आंसर है बेंगोल टाइगर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है आंसर है रिवर गंगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मंथ्स ऑफ द ईयर हैव डेज यानी कितने मंथ्स होते हैं साल में जिनमें थर्टी वन डेज होते हैं आंसर है सेवन मंथ्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच कलर सिंबोलाइजे पीस ऐसा कौन सा रंग है जो शांति का प्रतीक है आंसर है वाइट कलर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो यानी रेनबो में कितने कलर्स होते हैं इसका आंसर है सेवन कलर्स लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है कि उसमें सेवन कलर्स होते हैं इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन कलर्स का सीक्वेंस क्या होता है यानी किसके बाद कौन सा कलर आता है इसके लिए एक आसान ट्रिक ये होती है कि आप सारे जितने भी कलर्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को याद रखें इस एक वर्ड बनता है विबग्योर वी stands फॉर वायलेट आई फॉर इंडिगो बी फॉर blue, जी फॉर ग्रीन वाई फॉर yellow, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड इस तरीके से आपको सारे जो कलर्स हैं वो बहुत ही इजीली लर्न हो जाएंगे चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है विच मंथ ऑफ द ईयर हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज यानी ऐसा कौन सा महीना है पूरे साल में जिसमें सबसे कम दिन होते हैं आंसर इज फेब्ररी फेबररी में 28 दिन होते हैं अगला क्वेश्चन विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड धरती पे सबसे तेज जानवर कौन सा है आंसर है चीता नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया हमारे देश की राजधानी कौन सी है आंसर है न्यू दिल्ली अगला क्वेश्चन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन फादर ऑफ द नेशन के नाम से किसको बुलाया जाता है आंसर है महात्मा गांधी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू